अभी आपको फॉर्मूला तो समझ में आ गए, अदरवाइज मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा रखा था पहले भी। अब आपके पास में क्या है, ये एक कैलकुलेटर ज्योमेट्रिक मीन एंड डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में करवा देता हूं, कंटिन्यूस सीरीज का मैं आपको हिंट दे दूंगा। हिंट क्या दे दूंगा, सेम होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, बस उसको मिड वैल्यू निकालना होता है डेटा के लिए और कोई चेंज नहीं है। चलिए बच्चे, आज की क्लासेस में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। कौन सा टॉपिक? ज्योमेट्रिक मीन। कल की क्लासेस में हम हार्मोनिक मीन पढ़ लेंगे। कल खत्म है हमारा मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी का कंप्लीट टॉपिक। फिर स्क्यूनेस और कुछ एक दो चीजें और हम एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उसको हम पढ़ लेंगे एग्जाम में जो आपके आ रहे हैं, एक दो क्लासेस लगा करके। देखिए रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं मैं, हाँ भले ही क्लासेस पूरे 1 आवर की डिलीवर नहीं हो रही है, अब 1 आवर की डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लासेस से, ताकि कोर्स आपका और अच्छे से टाइम पर हो पाए। और रेगुलर क्लासेस तो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपके मैं रेगुलर क्लास लूँ और ले भी रहा हूँ। ये बात नहीं है कि आपका कोर्स कितना सस्ता है, वो मैटर नहीं करता है। जिम्मेदारी चाहे 1 रुपये में ली जाए, चाहे जिम्मेदारी 1 लाख रुपये में ली जाए, जिम्मेदारी जिम्मेदारी होती है। मैं एक टीचर होने के नाते कोशिश कर सकता हूँ, आपके अच्छे मार्क्स आए, मैं अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ कवर करवाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा समय देकर के कोर्स को टाइम से पहले करवाने की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल मोटिव, चाहे आपका कोर्स 1 रुपए का हो, चाहे आपका कोर्स 1 लाख रुपए का हो, वो एक अलग चीज होती है जब हम कोर्स आपको बताते हैं, जब आप कोर्स लेते हैं। पर जब आप कोर्स ले लेते हैं और जब आप बैच में आ जाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ये रह जाती है कि आपका कंप्लीट कोर्स एग्जाम से टाइम से पहले और अच्छे से आपका प्रैक्टिस रिविजन, ये सब चीजें आपकी बहुत अच्छी तरीके से हो। जिन बच्चे ने कोर्स लिया उसको चीज समझ में भी आनी चाहिए, तो थोड़ा सा स्पीड इतनी ज्यादा ना हो जाए, या शॉर्टकट तरीके इतने ज्यादा ना हो जाए, या इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा फोकस ना कर ले कि हम मेन और छोटे और कॉन्सेप्ट्स को बताएं ना। तो इसलिए हम 0 लेवल के स्टूडेंट्स को भी फोकस करते हुए, एक कोई भी बच्चा, किसी भी तबके का बच्चा अगर कोर्स को ज्वाइन करता है तो बिल्कुल बेसिक कैसा भी हो वो भी कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है अच्छे से। तो उन बच्चों को भी ध्यान रखते हैं, जो बच्चे ऑलरेडी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं उनका कोर्स टाइम तक हो जाए उस बात का भी ध्यान रखते हैं। तो कोशिश यही है कि आपके साथ में जितना हो सकता है हमारी तरफ से उतना हम करें। उसके बाद आपको क्या लगता है ये तो जी आप तय करेंगे, रिजल्ट्स क्या आता है ये समय तय करेगा। फिलहाल तो ये चीज करने की जरूरत है कि मैं अपना काम बेहतर तरीके से करूं। अब बस मेरा फोकस इस पे ही रहता है, आपका रिजल्ट क्या आएगा और आप क्या मेरे बारे में कमेंट करते हैं, अच्छा बुरा, वो सब चीजें मेरे लिए कोई मैटर भी नहीं करती है। हाँ जी, तो बात करते हैं हम यहां पर। सबसे पहले डेटा जो हमारे पास पे है उसको हम एक्स बोलते हैं, ठीक है बच्चे? और डेटा को हम क्या करेंगे, लॉग डेटा को हम, हाँ कुछ कभी कभी मेरा ध्यान इधर उधर होने की वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी कदार, तो अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे अच्छे तरीके से फोकस करवाता हूँ आपको। हाँ जी, तो लॉग एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो आपके पास में अब ये लॉग की वैल्यू कैसे निकालें बच्चे, ये सवाल आपके मन में है तो बार बार बात बोल चुका हूँ, आज फिर से इससे पहले मैं एक वीडियो डाल, इसी फोल्डर में ज्योमेट्रिक मीन वो वीडियो डाल दूंगा, लॉग और एंटी लॉग कैसे देखते हैं स्क्रीन पर बता करके। चलिए 130 बना 13/3, तो डिजिट तो छोटे हैं, तो हम एक मेरे पास में है ये स्लिप देख सकता हूँ, लॉग टेबल, ये है हमारे पास में टेबल लॉग। हाँ इसको मैं देखता हूँ 13/0, तो 13/0 हमारे पास में 11.39 11.39 कितने डिजिट है जी, 3 डिजिट है, एक माइनस कर दो, 2 डिजिट बचेगा। 13/5 13/5 है हमारे पास में 13/03 3 डिजिट है, तो 2 सारे 3 डिजिट के सब 2 पॉइंट आएंगे, सब के सब 2 पॉइंट में आएंगे। चलिए कि ऐसे नहीं करते, ऐसे लिखते हैं 14/0 14/16 14/61 ये भी एक माइनस कर देंगे, हाँ 14/5 14/5 16/14 14/3 15/53 14/8 17/03
तीन डिजिट है ना इसमें, एक माइनस करिए दो डिजिट का बनेगा ये, 14 पे 9 17 32 15 पे 0 17 61 हाँ जी, लॉग एक्स क्लियर है, ये क्या आ गया हमारे पास में लॉग एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपने निकाला जब फ्रीक्वेंसी आता तो उसका एक ही काम रहता है मल्टीप्लाई करना, तो क्या कर दो एफ लॉग एक्स, इसको एफ से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, 2.1139 मल्टीप्लाई बाय 3 6.3417 2.1303 मल्टीप्लाई बाय 4 8.5212 2.1461 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 12.8766 2.1614 मल्टीप्लाई बाय 6 4. इतना डिफरेंस तो नहीं आ सकता ना, अच्छा तो नहीं बार रहा, 2.1614 12.9684 2.1553 मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या आ गया 6.4659। क्लियर है बच्चे, 2.1703 मल्टीप्लाई बाय 5 10.8515 2.1732 2 4.3464 2.1761 2 4.3522। क्लियर है बच्चे, अब आपके पास में क्या करना है आपने, बस काम हो चुका आपके पास में, फॉर्मूला होगा ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू, वो तो होगा ही आपके पास में एंटी लॉग, ये बात की बात है एंटी लॉग। सबसे पहले आप क्या करो, अ समीशन ऑफ एफ लॉग एक्स अपॉन एन, ये काम तो कर ही सकते हो ना बच्चे, तो ज्योमेट्रिक मीन सबसे एंड का काम होता है आपका एंटी लॉग की वैल्यू निकालना, शुरू में नहीं पढ़ते इसके पीछे। हाँ, समीशन ऑफ एफ लॉग एक्स, दिस वन समीशन ऑफ एफ लॉग एक्स, ये क्या है आपका 6.3417 8.5212 12.8766 12.969684 6.4659 10.8515 इतना ज्यादा वैल्यू तो नहीं हो सकती भाई, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, 8.5212 एक कैलकुलेटर है ना,
4659 प्लस 10.8515 प्लस 4.3464 प्लस 4.3522 तो क्या है आपके पास में 66.7239। सॉल्व करेंगे 66.7239 डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब समीशन ऑफ एफ। समीशन एफ क्या है आपके पास में 3, 4, 7, 7, 6, 13, 13, 19, 19, 3, 22 और 5, 27, 29, 31 क्लियर है। 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डिवाइडेड बाय 31। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटीलॉग 66.7239 डिवाइडेड बाय 31 2.1523। आपको एंटीलॉग निकालना है और एंटीलॉग निकालते हैं ना जब भी पॉइंट वाले केसेस में तो आप पॉइंट के बाद वाले डिजिट का निकालते हैं एंटीलॉग। तो 15 पे 23 तो पहले 15 पे 2 देख लो एंटीलॉग में 15 पे 2 0, 1, 2, 14, 19 15 पे 2। अब तीसरा देख लो इसमें मीन कॉलम में 1, 10, 2, 14, 1, 14, 20 तो क्या है आपके पास में 14, 20 अब सॉल्व करेंगे इसको 2 है तो 3 डिजिट का पॉइंट आ जाएगा तो 3 डिजिट का पॉइंट आएगा तो 142 ये आपका आंसर है। हाँ बिल्कुल सही धीरज मिश्रा शानदार बच्चा है। हाँ जी क्लियर है तो आपने निकाल लिया। अब आपको समझ में आ गया कैसे करना है। अब आपके पास में आते हैं बच्चे कौन सा है इसमें काम खोलो इसमें आपको डेटा मिसिंग है ना तो कोई बात नहीं आप मिड वैल्यू निकाल लो कंटिन्यू सीरीज में मिड वैल्यू निकालते हैं तो क्या जाएगा 5 दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 10 का गैप है 10 का गैप लेके चलो 15 25 35 45 55 हो जाएगा। अब आप यही लॉग एम इसको बोल सकते हैं निकाल लोगे उसके बाद फिर आप एफ लॉग एम निकाल लोगे एंड ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग तो आपका आएगा ही आएगा समीशन ऑफ एफ लॉग एम अपॉन एन कर लोगे बच्चे तो कंटिन्यूस सीरीज में हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां तक आपके पास में पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक मीन कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है बच्चे समझ में आया आपको ये? तो आपको यहां पर ये आपके पास में मार्क्स है तो इसका मिड वैल्यू निकाल लेना और मिड वैल्यू निकालने के बाद आप उसको उसकी वैल्यू लॉग एम की वैल्यूज फाइंड कर लेना एफ से मल्टीप्लाई कर देना समीशन करके फॉर्मूला आपके सामने एज इट इज रहेगा। बस इसमें डेटा नहीं है उसको मिड वैल्यू में ले लेना है आपने डेटा नहीं है इसमें आपको क्या करना है बस इसको मिड वैल्यू में ले लेना है आपको कि ये आपका 5 आएगा ये आपके पास में प्लस डिवाइडेड बाय 2 10 का गैप है 10 का गैप लेके चलो 15 25 35 45 और 55। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लासेस में आप लोग सही बच्चे ज्योमेट्रिक मीन को इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में बेहतर तरीके से समझ पाए। अगली क्लास कल की क्लासेस होंगी जिसमें कि हम हार्मोनिक मीन पे बात करेंगे और मेजरमेंट और टेंडेंस को फिनिश कर देंगे फिर एग्जाम रिलेटेड कुछ ट्यूजनेस वगैरह कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं बेसिक टॉपिक उसको परसों खत्म कर देंगे और जल्दी से फिर हम टाइम सीरीज का एक फ्रेश यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और 3 यूनिट 100% पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिन में।